हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का। इस वीडियो में मैं आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम की बिल्कुल सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम क्या है, कौन से स्किन कंडीशन में ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, वो कैसे आपके स्किन में काम करते हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उससे आप अपने स्किन को कैसे बचा सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम ऑन योर फेस। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को अपने फेस पे इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग जो हैं ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को अपने स्किन पे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको इस क्रीम का कोई रिजल्ट नहीं मिलता और साथ में उनकी स्किन इरिटेट होने लगती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स उनके चेहरे में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि फ़ायदों के साथ साथ आपको इस क्रीम के नुकसान भी पता होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, जिससे कि आपको इस क्रीम का बेस्ट रिजल्ट मिले। तो चलिए आगे वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड 6 क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है, एक फार्मेसी क्रीम है, जिसमें 6% की कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड डाला गया है। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जिसे AHA के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक नेचुरल एसिड होता है जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने से निकाला जाता है। और ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो बहुत सारे स्किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ ग्लाइकोलिक एसिड हमारे स्किन में काम कैसे करता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ग्लाइकोलिक एसिड एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जिसमें स्किन को एक्सफोलिएट करने की नेचुरल कैपेसिटी होती है। तो जब आप ग्लाइकोलिक एसिड को अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करने लगता है, यानी कि ये आपके स्किन सेल्स टर्नओवर रेट को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी पुरानी और डेड स्किन सेल्स जो होती है वो उतरने लगती है, एक्सफोलिएट होने लगती है, और आपकी नई स्किन बनने का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि जब आपके स्किन की टॉप लेयर एक्सफोलिएट होने लगती है तो उसमें जो भी डिस्कलरेशन होगा, पिगमेंटेशन होगी, एक्ने स्कार होंगे, ब्लेमिशेस होंगे, डार्क स्पॉट्स होंगे, वो भी रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और आपकी एक नई फ्रेश और यंगर लुकिंग स्किन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। ग्लाइकोलिक एसिड का एक स्किन बेनिफिट ये भी है कि ग्लाइकोलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल और फाइन होते हैं, जो कि आपके स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं, जिससे आपके जो पोर होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कील मुहासे, ब्लैक हेड, वाइट हेड वो आपके फेस से साफ हो जाते हैं, और एक्ने पिंपल्स को भी ये प्रिवेंट करता है, एंड एट द सेम टाइम ये आपके स्किन में हाइड्रेशन और वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को भी मेंटेन करके रखता है। तो ओवरऑल ग्लाइकोलिक एसिड एक नेचुरल स्किन एक्सफोलिएटर है, जो कि आपके स्किन की टॉप लेयर को पील करता है और आपके स्किन को क्लियर, प्लम और यंगर लुकिंग दिखाने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्किन कंडीशन में आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस क्रीम को इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। तो गाइस, अगर आपको फेस में डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या हाइपर पिगमेंटेशन है, या आपको फेस में सनबर्न है, तो ग्लाइकोलिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम में ये एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एक्ने पिंपल्स के इलाज में भी ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। फिर चाहे वो आपके फेस में एक्टिव एक्ने हो या एक्ने ठीक होने के बाद जो स्कार, जो निशान फेस में रह जाते हैं उनको ठीक करना हो, दोनों ही कंडीशन में आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप एज ए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ग्लाइकोलिक एसिड 6 क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्किन सेल्स टर्नओवर रेट को फास्ट करता है, आपके स्किन को थिक करता है, जिससे कि आपकी स्किन ज़्यादा प्लम और यंगर लुकिंग नज़र आती है। अगर आप कोई ऐसे जन है जिनके चेहरे में अभी रिंकल्स, फाइन लाइंस बनने की शुरुआत हो रही है, तो अभी आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करके अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड 6 क्रीम एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्रीम है, जिसे आप बिना डॉक्टर की सलाह से खुद पे ही घर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ग्लाइकोलिक एसिड 10%, 12%, 20%, 50% अप टू 70% भी अवेलेबल है, जो कि इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तो इसीलिए जो भी ग्लाइकोलिक एसिड मोर देन 6% हो, वो आपको खुद से ही घर पे बिना डॉक्टर के सुपरविजन के इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। इससे आपकी स्किन जल सकती है, बर्न हो सकती है। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाती है, देन आप फिर ग्रेजुअली इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ऑलवेज़ आपको स्टार्ट करना है 6% से, या लेस देन 6% भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पहली बार इस क्रीम को अपने स्किन पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है नाइट में। तो रात को सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। सोने से पहले आप अपना फेस वॉश कर लें किसी माइल्ड फेस वॉश से, उसके बाद अपने फेस को पैड ड्राई करें, अच्छे से आपका फेस सूख जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल करना है। कितना इस्तेमाल करना है? आपको लेना है एक मटर के दाने के बराबर क्रीम, और उसको अपने अफेक्टेड एरिया में डॉट्स बना के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करके ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके भी इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाफ मटर के दाने के बराबर क्रीम लेनी है, और हाफ मटर के दाने के बराबर आपको लेना है मॉइस्चराइज़र। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले दिन आपको ये सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के रखनी है, उसके बाद अपने फेस को वॉश करके अपने फेस में अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लें। फर्स्ट मंथ आपको ये क्रीम वीक में सिर्फ 3 दिन ही अपने स्किन पे लगानी है, उसके बाद जब आपकी स्किन इसकी यूज़ टू हो जाती है, फिर आप उसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वैसे तो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम जो है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड क्रीम है, इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं या प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, तो डेफ़िनेटली इससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है, स्किन में पिगमेंटेशन हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। तो बेटर है कि आप इसको अपने फेस में अप्लाई करने से पहले एक बार पेस्ट टेस्ट ले लें, और इसको सही डायरेक्शन में अगर आप यूज़ करेंगे, कुछ प्रिकॉशन आप इसमें रखेंगे जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो डेफ़िनेटली इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर ये इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे में इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो तुरंत इस क्रीम को आप वॉश कर लें और फिर उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, देखिए ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को पील करता है, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपने स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना है, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हमेशा अपने फेस पर अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। सेकेंड थिंग, आपको डायरेक्ट सन कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि जब आपके स्किन सेल्स टर्नओवर रेट फास्ट होता है, तो आपकी स्किन पील होती है, अंदर से आपकी नई फ्रेश स्किन आती है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो सन के कॉन्टैक्ट में आने से वो इजीली बर्न हो सकती है, जल सकती है, जिससे कि आपके फेस में पिगमेंटेशन हो सकती है। तो इसलिए आपको सन कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। इसके लिए आप एक अच्छे ब्रांड का SPF 40 प्लस सनस्क्रीन अप्लाई करें, चाहे आप घर के बाहर हो या अंदर। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, फेस को कवर करके जाएं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।